हेलो डियर स्टूडेंट्स, मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन सीरीज ऑफ सत्यम श्री सदन। आई एम योर मैथ टीचर, मायसेल्फ नीरज कुमार सिंह, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 16 पैरेललोग्राम। आज हम सभी देखने वाले हैं पैरेललोग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम दैट मीन्स की अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम कहलाएगा इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यदि जो हमारे दोनों साइड्स है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। एंड सेम ए बी हमारा ये साइड है एक, और सी डी हमारा एक साइड है, ये दोनों साइड्स कैसे हैं, पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स किसको कहते हैं? साइड्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, वैसे साइड जिसके बीच हर एक बिंदु पे जो डिस्टेंस होता है कैसा होता है, इक्वल होता है। तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर लाइन ए बी और लाइन सी डी के बीच में हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है कैसा है, इक्वल है। एंड ऑल्सो हमारा साइड ए बी है और साइड बी सी है, इसके हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको कैसा है, इक्वल है। सो दैट आर कॉल्ड पैरेलल साइड्स, एंड ऑल्सो दिस फिगर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एंड नाउ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो बोल रहा है यहीं इस फिगर में, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। हमारा ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एंड इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी जो हमारा है डी सी के पैरेलल है। एंड ऑल्सो ए डी पैरेलल बी सी, जो हमारा ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। एंड सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी सी डी क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखने वाले हैं रोम्बस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। हम देखने वाले हैं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को बारे में। इससे पहले आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, तो इससे पहले आपने पैरेललोग्राम की डिफिनीशन को देखा और उसको समझा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। नाउ हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो हमारा प्रॉपर्टी होता है तीन ठो होता है, क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो हमारे अपोजिट साइड्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किसके अपोजिट साइड्स, तो हमेशा याद रखेंगे किसके, पैरेललोग्राम के। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड लास्ट जो हमारा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ बाइसेक्ट से जरा फोकस करेंगे, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वल साइड में क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो हियर ए बी सी और डी, ये हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा साइड है ए डी और ये हमारा साइड है क्या, बी सी। जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है इसका, क्या बोल रहा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो ए डी का लेंथ होगा वो बी सी के सिमिलर होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, एंड जो हमारा नेक्स्ट साइड है ए बी इक्वल टू डी सी, यानी ए बी का जो वैल्यू होगा वह डी सी के इक्वल होगा। एंड ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। जो सेकंड प्रॉपर्टी था इसका, वह क्या बोल रहा था, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप देखेंगे एंगल ए का जो अपोजिट एंगल बनेगा वो कौन बनेगा, एंगल सी बनेगा। यानी अगर एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल सी का भी वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंड जो हमारा एंगल डी फॉर्म होगा वह एंगल बी के इक्वल होगा। अगर एंगल बी का वैल्यू 110 डिग्री है तो डी का वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री होगा। डैट मीन्स कि आप बोल सकते हो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और जो आपका लास्ट पॉइंट था, वह तीसरा पॉइंट क्या था कि इस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स होते क्या है, तो डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट होता है डेट ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेज। एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, सी है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट ए सी बनेगा। तो जो ये ए सी है और यहाँ पे हम डी को ज्वाइन करेंगे बी से, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
डी के इक्वल हमारा बी होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी डी, और ये हमारा है क्या ए बी, जो कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं क्या ओ। तो जो हमारा ओ ए का लेंथ होगा और जो ओ सी का लेंथ होगा वह, और जो हमारा ओ डी का लेंथ होगा और ओ बी का लेंथ होगा वह कैसा होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो दोनों डायगोनल है ये और ये जो बाइसेक्ट करेगा किस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर इसका लेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा। डेट मीन्स कि आप वो बोल सकते हो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, ये आपके तीन ठो क्या हो गए प्रॉपर्टी हो गए। नाउ आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम देखने वाले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम का सिंबल है, सिंबली हम लोग पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल, हमें ये दिखाना है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंड अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा होगा ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए डी साइड के पैरेलल हमारा बी सी एक साइड है और ए बी साइड के पैरेलल हमारा एक सी डी एक साइड है। नाउ हम इसको प्रूफ करेंगे, तो गिव है हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हेंस हम बोल सकते हैं कि सॉरी सिंस सिंस इसलिए क्या होगा हमारा ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। नाउ इसको आप लोग अपने कॉपी में पेन डाउन कर लेंगे, हम यहाँ से पेज आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको पेन डाउन कर लेंगे। टू प्रूव हमें क्या दिखाना है कि जो हमारे साइड्स पैरेलल थे, तो ए बी का पैरेलल साइड कौन है डी सी, तो ए बी का यहाँ पे हमें शो करना है लेंथ कैसा होगा, डी सी के इक्वल होगा, एंड जो हमारा ए बी का जो हमारा ए डी का लेंथ होगा वो हमारे बी सी के इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल टू बी सी। ऑल्सो हमें ये भी दिखाना है कि जो इसके अपोजिट वर्टिस जो एंगल्स हैं, एंगल ए का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी से वर्टिक्स बी से डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा बी डी एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन बी डी। नाउ प्रूफ हम प्रूफ में क्या देखने वाले हैं, हम उठाने वाले हैं ट्रायंगल ए डी और सी को, और सॉरी यही दिखवाएंगे कि ए डी और सॉरी ए बी और डी जो है ट्रायंगल बी सी डी के कंगुरुएंट है, तो जब हम कंगुरुएंट दिखा देंगे तो वहाँ पे इसका साइड भी इक्वल हो जाएगा और वहाँ पे उसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल ए डी बी ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल बी सी डी में हम चल रहे हैं, इसमें आपको एंगल वन के इक्वल एंगल टू होगा। क्यों टू होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और डी सी क्या है पैरेलल साइड्स हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। एंड ठीक वैसे ही हमारा जो यहाँ पे ये साइड देख रहे हैं आप, साइड क्या है हमारा बी डी जो है कॉमन साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू
डी बी, यानी एक बार हम इसको बी डी बोले और फिर ऊपर जब उल्टा चले तो इसको हम क्या बोल दिए, डी बी बोले, जो एक इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है। एंड फाइनली जो इसका एंगल थ्री है, एंगल फोर के क्या है, कंगुरुएंस है, तो हम बोल सकते हैं एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। नाउ अब देख रहे हैं कि एंगल कितने हमारे पास हैं, दो ठो एंगल इक्वल हैं और एक ठो साइड इक्वल है, तो कंगुरुएंसी का हमारा होता है साइड 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 क्रिटेरिया होता है चार ठो, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर आर एच एस होता है, जिसके थ्रू हम दो ट्रायंगल को कंगुरुएंस शो कर सकते हैं। तो हेंस बाय एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया ऑफ कंगुरुएंस ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल कंगुरुएंस ट्रायंगल बी सी डी बी सी ट्रायंगल ए डी बी और बी सी डी को कंगुरुएंस शो कर चुके हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में कंगुरुएंस होते हैं तो उसके ऑल साइड्स और उसके ऑल एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो साइड ए बी है उसका इक्वल कौन होगा, साइड डी सी होगा, और जो साइड ए डी है उसके इक्वल कौन होगा, हमारा साइड बी सी होगा। तो हियर हैंस ए बी इक्वल टू डी सी एंड यहीं पे हम बोल सकते हैं जब ए डी भी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी एंड ऑल्सो साइड इक्वल होते ही हैं, ये साइड के साइड के साथ साथ जो हमारे एंगल्स होते हैं वहाँ भी वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वह किसके इक्वल होगा, तो एंगल सी के इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो हमारे साइड होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इक्वल होते हैं, जो कि आप यहाँ पे शो कर चुके हैं। और दूसरा क्या था कि जो उसके बहुत अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि आप यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो हेंस हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब क्या करेंगे आप इसे अपने फिगर में अप एंड डाउन करेंगे और इसको थियोरेटिकली अंडरस्टूड करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप अपने ग्रुप में उसको शेयर करेंगे। और इसके आगे की जो हमारा थ्योरी है उसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।